आज जो हमारे मुख्य मुद्दे रहे हैं उसमें एक तो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सदस्य की नियुक्ति हुई थी उसको कंफर्म किया है चंद्रशेखर रायकवाड़ जी की। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, इनकी निजी स्थापना में दो लोग नियुक्त हुए हैं, एक डॉक्टर मनीष कुमार जो शाखा प्रबंधन देना बैंक प्रतिनियुक्त वहाँ पे भेजा है, और दूसरे श्री हरिचंद सिंह, इनको संविदा नियुक्ति दी है, तो ये लोगों को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा श्री प्रवीण कक्कड़ और श्री संजय कुमार शिवाजेन कुमार जी मिगलानी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में और वो होस्ट दिए हैं, इनको भी कंफर्म कर दिया कैबिनेट ने, ये उन श्रेणी में लगातार काम करते रहे हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ आप पहले ही बता चुके हो, लैपटॉप जो 35,000 था उसको 50,000 रुपये प्रत्येक विधायक के लिए आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में अपर संचालन का एक नवीन पद स्वीकृत किया है, ये पहले उस विभाग से होता था, अब उसको प्रतिनियुक्ति पर जो कोई भी IAS ऑफिसर उपरांत प्रतिनियुक्ति पर वहाँ पे आएगा, इसकी एक अप्रूवल आज कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा जिला छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना इसका अनुमोदन किया है, और ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आएगा, उससे अभी जुड़ा रहेगा, इसमें काफ़ी पद 76 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। और उद्यानिकी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारंभ कर PAT 2019 की प्रवेश परीक्षा में प्रवीणता सूची के आधार पर छात्रों को प्रवेश मिलेगा, और इसमें काफ़ी 32.376 हेक्टेयर जमीन इसके लिए उपलब्ध कराई गई है, और इसके लिए जो राशि स्वीकृत की गई है वो है 32.8587 लाख, वो 3 चरणों में उसका प्रावधान किया गया है योजना क्रियान्वयन। इसमें शेयर मध्यप्रदेश का भी रहता है, दोनों है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अच्छी क्रॉप के लिए सिंचाई के लिए है, तो 98.870 ये मध्यप्रदेश का शेयर रहेगा, और 148.20 करोड़ जो केंद्र का रहेगा, ये सिंचाई योजना सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन होगा। और एक मंत्री से जुड़ा हुआ यानी बहुत जिसकी मांग थी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त विशेषज्ञ PG चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति विषय के संबंध में, मैं आदरणीय मंत्री कहूँगा वो बताएं इस मामले में। एक प्रक्रिया है पद को लेकर, एक सदस्य होंगे आयुक्त स्वास्थ्य, इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे मिस हमारे NHM की संचालक होगी, संचालक प्रशासन होंगे, अपर संचालक होंगे, अपर संचालक सदस्य सचिव होंगे, ये प्रक्रिया है कमेटी बनाकर ये सभी का जो पद पे थे जो रिटायर हो गए हैं उन्हें उनकी सेवा हम लेना चाहेंगे, 60 भाई जिनकी एज हो गई है उसके बाद आप निश्चित रहे, क्योंकि जो सेवा कर सकता है, सुनो, जो सेवा कर सकता है उसी की सेवा दी जाएगी, जो रिटायर हो गए अब हमारी भावना समझ ले जाओ, मैं 65 साल का था, मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले या साल भर पहले रिटायर हो गया हूँ, उन लोगों को हमको लेना है, उनकी सेवाएं हम स्वास्थ्य विभाग में, एक कमेटी बन गई है, सुनो उसके कमिश्नर, सुनो उसके आयुक्त हैं, ये थोड़ा गुणदोष के आधार पर ये मान के चलो जो सेवा दे चुके हैं निरंतर 35-30 साल की सेवा उन्होंने स्वास्थ्य को दी है, उनके अनुभव का फायदा हम लेना चाहते हैं, उन्नयन भी हम करने वाले हैं, समुदाय केंद्र, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, उसकी पूरी सूची मैं आपको दे, और मैं हमारे मंत्री जी को
मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में वर्षों से सफेद जहर, कौन सा जहर, सिंथेटिक दूध के माध्यम से दूध, मावा, घी, पनीर जो मिलावट हो रही थी, 19 तारीख से नोट करवा, इन 15 दिनों में जो 15 वर्षों में काम नहीं करी बीजेपी ने, ये मुख्यमंत्री कन्हैया जी के नेतृत्व में ये सरकार ने 3 राज्यों का, उज्जैन, ग्वालियर, खरगोन और जिला बदल किया, FIR की। और मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है। मैंने अधिकारियों का निर्भीक होकर, निडर होकर आप कार्रवाई करो, जो मिलावट करता है उसका स्थान मेरे मध्य प्रदेश में नहीं है, उसका स्थान सलाखों के पीछे है। एक मिनट, चुनौती मिलने दीर्घकालीन विद्युत मांग की पूर्ति के लिए एक कॉम्पिटिटिव टेंडर, जिसको कहना चाहिए निविदा पद्धति के तहत 2640 मेगावाट विद्युत क्रय बाबत, इसके लिए एक निविदाएं निकाली जाएंगी, क्योंकि ये 13-14 में 9744 मेगावाट थी जिसकी पूर्ति हुई, उसको बढ़ता गया 9870, फिर 10841, करते करते 2018-19 में ये 14089 मेगावाट की बिजली की मांग है, और ये सतत बढ़ती जाएगी। इसलिए ये तय किया है कि एक ओपन टेंडर कॉल किया जाएगा, मध्य प्रदेश में लगाएं और कम से कम पे लगाएं, ये ऑफर के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं, इसका अप्रूवल कैबिनेट दिया है, जिससे आगे आने वाले समय में बिजली की कमी मध्य प्रदेश में नहीं हो, तो उसके लिए एक इसको अप्रूव किया है, न्यूनतम रेट जो देगा उसको यहाँ लगाने के लिए आगे फ्यूचर के लिए है, पर उसके लिए निविदा बुलाई जाएगी, और मिनिमम दे और मध्य प्रदेश में लगाए, ये नहीं कि बाहर लगाए और वहाँ मध्य प्रदेश को दो, तो ये एक अप्रूवल किया है। जलाशयों में नीति के तहत जलाशयों में जल भंडारण क्षमता का पुनर्स्थापन करने के लिए जो सिल्ट लग जाती है, आई जो सिल्ट लग जाती है आ जाती है जहाँ बांध होते हैं वहाँ पे, उस सिल्ट को निकालने के ओपन कॉन्ट्रैक्ट देंगे टेंडर बुला के, और वो सिल्ट का जो है उपयोग खेतों के अंदर आसपास होगा, और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है सिल्ट निकलने से, वो जो सिल्ट निकालेगा उसको केवल रेत उपलब्ध होगी, जिससे वो अपना कंपनसेट करेगा, उसका जो काम करेगा, बड़ी बड़ी कंपनी इसके लिए आती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि सिल्ट निकलने से वहाँ जलाशय की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और ये 4 जगह ही पहले किया जा रहा है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जबलपुर, तवा होशंगाबाद, इंदिरा सागर खंडवा और बान सागर शहडोल, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है, इससे उसकी वो भी बढ़ेगी, और ये इसमें कोई पैसा सरकार का खर्च नहीं होना है, इसका सबसे बड़ा मामला ये है, और जो सिल्ट निकलेगी वो किसानों के काम में आएगी, उपजाऊ होगी, और रेत जो उसकी निकलेगी सिल्ट में से वो उसको अलग करके वो सेल कर सकता है, ये मेजर इशू थे। और उसके अलावा मैं समझता हूँ ये एडवोकेट प्रोटेस्ट करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, दोनों ही फाइनल स्टेज में है, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो आ ही चुका था, उसमें कुछ और सुधार करना था कैबिनेट में, ये अभी सीनियर सेक्रेटरीज के उसमें, वो भी जल्दी आएगा। हम सब ध्यान रखना, कभी भी ना स्वास्थ्य विभाग ना गृह विभाग दोनों मिलके, आपको बताया कि पूरी सरकार एक साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई मिलावट खोर के खिलाफ, कोई भी प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है उसमें विचार होता है, चिंतन होता है, चिंता होती है, पर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, इस सफेद जहर से कहीं से मेरी बेटी भी प्रभावित हो सकती है, मेरे मध्य प्रदेश का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है, किसी आपके बेटे आपकी माँ को आप चाहते हो कि सफेद जहर दिया जाए, मैं तो आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश के चौथे स्तंभ आप देश के हो, मुझे आपका सहयोग चाहिए, इस सफेद जहर के खिलाफ
ये आंदोलन तभी सफल होगा जब आपका सहयोग मिलेगा। और 15 साल तक चलता रहा ये, और ये 15 साल तक ये मिलावट चलती रही। ये तो एक अच्छा वो है कि सिलावट जी ने मिलावट को रोका। धन्यवाद।